हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे मीवी 2.4 एम्पियर टर्बो कार चार्जर। ये कार चार्जर दिखने में बहुत ही प्रीमियम है और इसमें आपको दो यूएसबी पोर्ट्स मिलते हैं और दोनों ही पोर्ट्स आपको 2.4 एम्पियर का पावर आउटपुट देते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि जितना अच्छा ये कार चार्जर दिखता है उतना ही अच्छा ये काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले इसके बॉक्स में देखें तो यहाँ पर आपको मीवी की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेटल कार चार्जर और यहाँ इसका टोटल आउटपुट लिखा हुआ है जो कि है 4.8 एम्पियर्स। और अगर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको इसी के कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो सबसे पहला फीचर है वो है इसकी स्मार्ट आईसी। तो इसकी स्मार्ट आईसी की मदद से ये चार्जर डिटेक्ट कर लेता है कि आपने इसमें कौन सा डिवाइस लगाया हुआ है, या वो आपको मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, आपके ब्लूटूथ हेडफोन से, या फिर कुछ और चीज़ है। तो उसके हिसाब से ये डिसाइड कर लेता है कि उसको कितने पावर आउटपुट की ज़रूरत है और ये उसे उतना पावर आउटपुट सप्लाई करता है। और यहाँ पर आपको इसमें अल्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है, ये यूनिवर्सली कंपेटेबल है आपके ब्लूटूथ हेडफोन से, टैबलेट से, मोबाइल से, GPS डिवाइसेस से। और ये इसका डिज़ाइन बहुत कॉम्पैक्ट है, ये 12 वॉट से लेकर 24 वॉट तक का DC करंट लेता है और 4.8 एम्पियर का टोटल पावर आउटपुट देता है। और यहाँ पर आप इस व्हाट्सएप नंबर से मीवी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चार्जर का बहुत ही प्रीमियम बॉक्स मिलता है, यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर का। और यहाँ पर खोले सबसे पहले हमें चार्जर मिलता है और यहाँ पर हमें अगर आप इसे खोले तो यहाँ पर आपको एक कार्ड मिलता है। इस कार्ड में सामने मीवी की ब्रांडिंग है और यहाँ पर मीवी की तरफ से कमिटमेंट लिखी गई है और यहाँ पर वही व्हाट्सएप नंबर है जिससे कि आप मीवी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए। और यहाँ पर आप अगर इस साइट पर जाके अपने चार्जर को रजिस्टर करेंगे तो आपको एडिशनल वारंटी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको मीवी की ब्रांडिंग मिलती है। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको दो 2.4 एम्पियर के पोर्ट मिलते हैं और यहाँ पर जब आप इसे अपनी कार में प्लग इन करेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों पोर्ट्स में अंदर ग्रीन लाइट देखने को मिलेगी, जिससे कि जब आपकी कार के केबिन में अंधेरा होगा तब भी आप अपने USB पोर्ट को बड़े आसानी से देख सकते हैं और उनमें केबल प्लग इन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये गन मेटल कलर का है और यहाँ पर इस पर बहुत अच्छी मेटल फिनिश दी गई है, पूरा कार चार्जर मेटल का बना है और एक बहुत ही प्रीमियम लुक देता है ये चार्जर। और कार चार्जर के साथ आपको कोई भी केबल नहीं मिलती है तो आपको केबल अलग से खरीदनी पड़ेगी। तो चलिए अब इसे कार में लगाकर अपने डिवाइस को चार्ज करके देखते हैं कि ये 5 मिनट में हमारे डिवाइस को कितना परसेंट चार्ज करता है। तो यहाँ पर अब मैं इस चार्जर को यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट पर लगा लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर इसे चार्जिंग पोर्ट पर लगा दिया है और अभी इसमें बिल्कुल पावर नहीं आ रहा है, तो मुझे एक बार की को टर्न करना होगा। देखिए, मैंने की को एक बार टर्न किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्लॉट में ग्रीन कलर की लाइट जल रही है जो कि बहुत अच्छी दिख रही है। और जब आपकी केबिन में अंधेरा होगा तो आपको बहुत आसानी होगी इस चार्जर के दोनों पोर्ट्स को देखने में। तो यहाँ पर मैं अब आपको अपने फ़ोन को चार्ज करके दिखाऊंगा और हम देखेंगे कि 5 मिनट में ये चार्जर इस फ़ोन को कितने परसेंट चार्ज कर पाता है। तो अब मैं यहाँ पर ये केबल इसके पोर्ट पर लगा देता हूँ और यहाँ पर ये केबल मैंने लोकल मार्केट से खरीदा है। तो चलिए इस फोन में देख लेते हैं कि अभी कितनी बैटरी है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि 59% बैटरी है और 521 टाइम हो रहा है। तो चलिए अब लगा के देखते हैं कि 5 मिनट बाद यानी कि 526 पे ये बैटरी 59% से कितनी आगे चार्ज होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये फोन अभी चार्ज हो रहा है और टाइम हो रहा है 521। तो चलिए अब 5 मिनट बाद देखते हैं कि ये फोन कितने परसेंट चार्ज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 526 हो गया यानी कि पूरे 5 मिनट और अभी जो बैटरी का परसेंटेज है वो 59% से 63% आ गया है, यानी कि इस चार्जर ने 5 मिनट में इस फोन को 4% चार्ज कर दिया है। तो इस कार चार्जर ने इस फोन की बैटरी को 5 मिनट में कितने मिली एम्पियर चार्ज किया, ये जानने के लिए हमें थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा। तो इस फोन की बैटरी कैपेसिटी है 2200 mAh और 5 मिनट में इस फोन की बैटरी चार्ज हुई 4%। तो 2200 mAh का 4% होता है 88 mAh, यानी कि 5 मिनट में ये चार्जर 88 mAh का पावर आउटपुट देता है और ये फोन 2 एम्पियर तक का पावर इनपुट सपोर्ट करता है। तो अगर आप इस कार चार्जर में एक ऐसा फोन कनेक्ट करेंगे जो कि 2 एम्पीयर से ज्यादा का पावर इनपुट सपोर्ट करता है तो ये चार्जर उसे 5 मिनट में 88 mAh से भी ज्यादा पावर देगा। तो यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो वो फोन और ज्यादा जल्दी चार्ज होगा क्योंकि उसे पावर आउटपुट भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।